रविवार सुबह 11 बजे पीआरवी 100 में मौजूद एसआई इंदल सिंह, कांस्टेबल अजीत लोर, होमगार्ड नरेंद्र सिंह ने कोतवाली छाता के गांव अकबरपुर में हाईवे किनारे काले तेल के अवैध व्यापार करने वाले दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस के साथ साथ कोतवाली प्रभारी प्रमोद पवार, अकबरपुर हल्का प्रभारी राजवीर सिंह और कांस्टेबल सोनवीर भी मौके पर उपस्थित थे। पुलिस के पूछताछ पर उन्होंने अपना नाम हरीश और ओम प्रकाश बताया और साथ ही उन्होंने बताया कि वे काले तेल के इस टैंकर को भटिंडा से बदायूं ले जा रहे थे। बता दें, अकबरपुर में ये काम पिछले 6 महीनों से चल रहा है। घटनास्थल के आसपास के लोगों से जानकारी मिली है कि काले तेल का कारोबार यहाँ दिन रात चलता था। दिन में भी यहाँ टैंकर काला तेल खलाते थे। पुलिस के पूछताछ करने पर हरीश और ओम प्रकाश ने ये भी बताया कि यहाँ वे मदन चौधरी छाता और विवेक सेठ पंजाबी मथुरा के लिए काले तेल को टैंकर में से निकालकर ड्रमों में खाली कर रहे थे। पुलिस दोनों लोगों को गिरफ्तार कर अपने साथ कोतवाली ले आई। पुलिस ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने काले तेल का अवैध व्यापार करने वाले दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। कल हमारी टीम ने छाता पुलिस ने अच्छी कार्रवाई की है। जो काले तेल से जो चोरी हो रही थी उस गैंग को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है और उन दोनों मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? जो इनसे हमें पूछताछ से जो जानकारी मिली है किस प्रकार से इनकी गतिविधियाँ होती है, कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, उन सभी के विरुद्ध जो है आगे हमारी अभिसूचना संकलित करके जो है कठोर कार्रवाई की जाएगी। वही कई लोगों का कहना है कि काले तेल के इस खेल की जानकारी पुलिस कर्मियों के साथ साथ क्षेत्र के अधिकारियों को भी थी, इसीलिए काले तेल के इस कारोबार को पिछले 6 महीनों से बेखौफ चलाया जा रहा था। मथुरा से गजेंद्र सिंह की रिपोर्ट, न्यूज टाइम्स इंडिया।